हाय बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज एनसीईआरटी का चैप्टर 16 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्लास 11 का बायोलॉजी का लेके आता हूँ। ठीक है, देखो हम क्या पढ़े थे ना, डाइजेशन ऑफ फूड के तक चले थे। ठीक है, आज भी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फूड में देखेंगे। चलो, पहला होता है तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है उसको पहले देखेंगे। ये क्या बोलता है ना, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलराइज्ड लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो मस्कुलर वगैरह है वहाँ पे वेरियस टाइप का मूवमेंट जनरेट होता है। ये मूवमेंट क्या है ना, दीज मूवमेंट आर हेल्प इन थोरो मिक्सिंग ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब है तुम्हारा जो जितना भी एंजाइम सिक्रेट है उसके साथ वो जो तुम्हारा मूवमेंट होता है वो मिक्स करता है इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट द डाइजेशन। इन द तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ये क्या करता है ना, मिक्सिंग करता है और उसके बाद क्या करता है, उसको फैसिलिटेट फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए उसको फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि उसको वहाँ पे वो मदद करता है, जो और हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हम ये मदद करता है। ठीक है, और हेल्पफुल होता है। इसके बाद क्या बोलता है, द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर दो सिक्रेशन रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तुम्हारा जो बाइल जूस है, देखो अच्छे से समझो इस पॉइंट को, तुम्हारा जो बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रेशन, ये तीनों जो सिक्रेशन है ना ये रिलीज इन टू तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये रिलीज होते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है देखेंगे आगे जाके। द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल जूस है ये कहाँ पर ना, तुम्हारा हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे वो कहाँ पे आके ओपन होता है ना, डुओडेनम। डुओडेनम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे आके दोनों ओपन होते हैं। ठीक है, वहाँ पर रिलीज होता है कौन कौन ना, तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। इसके बाद आता है तुम्हारा कौन, ये खत्म हो गया तुम्हारा बाइल पैनक्रियाटिक खत्म हो गया, एक कहाँ पे ना रिलीज थ्रू दी हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, इसके साथ वो ओपन होते हैं कहाँ पे ना, डुओडेनम पे, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या ना, इंटेस्टिनल जूस। फिर क्या बोलता है, द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, ये जो तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस है ये कंटेन्स कुछ इनएक्टिव एंजाइम को कंटेन करता है, उसका नाम क्या क्या है देख लो थोड़ा सा। पहला है तुम्हारा ट्रिप्सिनोजन, इसके बाद है कीमोट्रिप्सिनोजन, इसके बाद प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, इसके बाद है तुम्हारा अमाइलेजेस, इसके बाद है तुम्हारा लाइपेजेस, इसके बाद है तुम्हारा न्यूक्लियेजेस। ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियस। इसको आप कितना नाम है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6, इस 6 नाम को आपको याद रख लाना है। ठीक है, इसके बाद आता है कैसे ना, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड एन एंजाइम। तुम्हारा जो ट्रिप्सिनो ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये कैसे एक्टिवेट होता है, बाय एन टाइप एंट्रोकेनाज, इसको आपको याद रखना है। तो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकेनाज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। कैसे सिक्रेशन होता है, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकेनाज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एन एक्टिव ट्रिप्सिन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। इस पॉइंट को अच्छे से समझो बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ अभी। तुम्हारा जो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकिनाज, तुम्हारा ट्रिप्सिनोजन क्या है ना, इनएक्टिव एंजाइम है, जो उसको कौन एक्टिवेट करता है ना, एंट्रोकिनाज एक्टिवेट करता है। एंट्रोकिनाज कहाँ से सिक्रेशन होता है ना, सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एन एक्टिव ट्रिप्सिन। ठीक है, ये तुम्हारा सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, तुम्हारा जो म्यूकोसा अंदर वाला जो रीजन है तुम्हारा क्या है ना, पहला है सेरोसा म्यूकोसा, सेरोसा मस्कुलरी, इसके बाद क्या है सब म्यूकोसा, इसके बाद है म्यूकोसा, तुम्हारा सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन क्या करता है, किस में मदद करता है, व्हिच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। तुम्हारा पैनक्रियाटिक जो अदर जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको कौन ना, ट्रिप्सिन जाके क्या करता है, उसको एक्टिव करने से मदद करता है। ठीक है, ये पॉइंट में समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द बाइल रिलीज इन टू द डुओडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवोटिन। ये जो बिलीरुबिन बिलीवोटिन है हम आगे जाके पढ़ेंगे कहाँ पे ना, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में। इसके बाद आता है क्या ना, तुम्हारा बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बोट नो एंजाइम। ये जो बोट नो एंजाइम इसको याद रखना, मैं और एक बार समझ देता हूँ इस पॉइंट को, अच्छे से समझो बच्चों। द बाइल रिलीज इनटू द डुओडेनम, तुम्हारा जो बाइल जूस है कहाँ पे रिलीज होता है ना, डुओडेनम पे रिलीज होता है। कंटेंट्स क्या क्या कंटेंट होता है, कंटेंट्स बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीवोटिन, बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बोट नो एंजाइम। द बाइल रिलीज इनटू द डुओडेनम, तुम्हारा जो बाइल कहाँ पे ना, डुओडेनम में आके रिलीज होता है, इसको सबको पता है। कंटेंट्स बाइल पिगमेंट क्या क्या कंटेंट करता है, पहला है तुम्हारा बाइल पिगमेंट, तुम्हारा बाइल पिगमेंट क्या है ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवोटिन, इसके बाद तुम्हारा बाइल सॉल्ट, इसके बाद तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद तुम्हारा फॉस्फोलिपिड बोट नो एंजाइम। ठीक है, ये कंटेंट करता है तुम्हारा बाइल पिगमेंट,
तो इसके बाद तुम्हारा बाइल सॉल्ट, इसके बाद तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, इसके बाद तुम्हारा फॉस्फोलिपिड। बहुत इसमें याद रखना क्या बात है ना, तुम्हारा जो बाइल जो होता है ना, तुम्हारे बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, बाइल हेल्प्स इन इमुलिफिकेशन ऑफ फैट। इमुलिफिकेशन मतलब तुम्हारा जो कपड़ा जो धोता है कहाँ पे ना, डिटर्जेंट्स के, उसको क्या बोलते हैं हम, डिटर्जेनेशन। इसके इससे भी और तुम्हारा जो बाइल हेल्प क्या है ना, तुम्हारा फैट्स को इमुलसीफाई, इमुलसीफिकेशन मतलब डिटर्जेनेशन, ठीक है, अगर हम अच्छे से समझेंगे। सो बाइल हेल्प्स इन इमुलिफिकेशन ऑफ फैट्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इन टू स्मॉल मिसेल्स। तुम्हारा जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स, फैट्स को कहाँ पे ना स्मॉल मिसेल्स पे, वो क्या कर देता है, उसको ब्रेकिंग डाउन कर देता है, ठीक है। बाइल हेल्प्स इन इमुलिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इन टू वेरी स्मॉल मिसेल्स, ठीक है। और बाइल का क्या फंक्शन है ना, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट योर लाइपेजेस। लाइपेजेस जो है तुम उसको भी एक्टिवेट करता है। लाइपेजेस क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसके बाद जो तुम्हारा मैकेनिज्म आएगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये साइड सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे याद रखना का आपको कितना बातें, ठीक है, इसको याद रखना है, ये लाइन को पूरा पूरा आपका माउथ के सामने में होना चाहिए, ये वाला लाइन, ठीक है। ये आपको समझना भी है, इसको याद रखना भी है, क्योंकि तुम्हारा नेट में ये डायरेक्ट ही स्टेटमेंट डलता है, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हारा नो एंजाइम, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसे तो बोलते हैं सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बात थोड़ा याद रखना है, तुम्हारा जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हा? चलो, फिर क्या बोलता है ना, द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम। तुम्हारा जो इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजल लेयर है उसका जो एपिथेलियम है, वहाँ पे क्या है ना, तुम्हारा गोब्लेट सेल हुई सीक्रेट क्या सीक्रेट करते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं ना, म्यूको सीक्रेशन करते हैं। जहाँ पे भी तुम्हारा गोब्लेट सेल आएगा वहाँ पे आपको याद रखना है क्या पे, वहाँ पे ही म्यूको सीक्रेशन ही होगा। द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गोब्लेट सेल हुई सीक्रेट योर म्यूकोस, म्यूको सीक्रेशन करते हैं। इसके बाद द सीक्रेशन ऑफ द ब्रॉस बॉर्डर सेल्स of the mucosa along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice which is also known as sucus enteritus। ये क्या बोलता है, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रॉस बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। तुम्हारा म्यूकोसा लेयर में ब्रॉस बॉर्डर सेल्स, ब्रॉस बॉर्डर सेल का मतलब क्या होता है, हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, ब्रॉस बॉर्डर सेल्स का मतलब है तुम्हारा जो भिली होता है, ठीक है, माइक्रो भिलाई या भिलाई जितना भी होता है, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रॉस बॉर्डर सेल्स, वो क्या क्या पढ़े थे हम, वो प्रेजेंस है ब्रॉस बॉर्डर अपीयरेंस। तुम्हारा डाइजेशन में ही ब्रॉस बॉर्डर अपीयरेंस कौन देता है ना, भिली देता है। सो ब्रॉस बॉर्डर सेल हम किसको लेंगे ना, भिलाई को ही लेंगे, ऑफ द म्यूकोसा। तुम्हारा म्यूकोसा रीजन में जो ब्रॉस बॉर्डर सेल तुम्हारा भिली प्रेजेंट होता है एलोंग विद द सिक्रेशन ऑफ द गोब्लेट सेल। तुम्हारा गोब्लेट सेल से क्या सिक्रेशन होता है ना, म्यूको सिक्रेशन होता है। सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस, ये क्या करते हैं, देखो मैं इसको लेके दे रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा, ब्रॉस बॉर्डर सेल्स तुम्हारा भिली से जो सिक्रेशन होता है, प्लस गोब्लेट सेल्स से क्या सिक्रेशन होता है, म्यूकोस, हाँ कि नहीं, ये दोनों मिलकर क्या देता है, ये मिलकर देता है तुम्हारा इंटेस्टिनल जूस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं सकोस एंटेरिकोस। आ गया समझ में, और एक बार समझ देता हूँ इसको, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रॉस बॉर्डर सेल्स, तुम्हारा ब्रॉस बॉर्डर सेल से जितना भी सिक्रेशन होता है कौन सा लेयर से, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा लेयर से, ठीक है, एलोंग विथ इसके साथ कौन मिलता है ना, सिक्रेशन ऑफ द गोब्लेट सेल। गोब्लेट सेल से क्या सिक्रेशन होता है, तुम्हारा म्यूको सिक्रेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस का के नाम क्या है ना, तुम्हारा है सकोस एंटेरिकोस, ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दिस जूस कंटेन ए वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स। दिस जूस, ये जो जूस है कॉन्टेंट्स वैरायटी ऑफ एंजाइम, वो क्या करता है ना, वैरायटी ऑफ एंजाइम कौन सा ना, तुम्हारा जो इंटेस्टिनल जूस है उसके बारे में ये बोल रहा है। दिस जूस कंटेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स, ठीक है, इसके बाद डाइपेप्टाइडेजेस, इसके बाद लाइपेजेस, इसके बाद न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है, इसको याद रख लेना है। और एक बार मैं समझ देता हूँ इसको, अच्छे से समझो, तो दिस जूस, ये जो इंटेस्टिनल जूस है कंटेंट्स वैरायटी ऑफ एंजाइम, ये वैरायटी ऑफ एंजाइम को ये क्या करता है ना, कंटेंट करता है जिसको ये लेता है, लाइक कैसे कैसे ना, तुम्हारा डाइसैकेराइड, जैसे कि एग्जांपल ये क्या है, माल्टाज दिया है, माल्टोज नहीं बोलो, ये है माल्टाज, डाइपेप्टिडाइजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एट्सेट्रा। तुम्हारा माल्टेजेस का काम क्या है, देखो बोचो, तुम्हारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या होते हैं, माल्टोज बनते हैं, माल्टोज है, माल्टाज नहीं, माल्टोज, माल्टोज बनते हैं ओएसी, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो माल्टाज है ना, ये क्या करता है ना, तुम्हारा माल्टोज जो है, माल्टोज
इसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इसके इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टाज। ये कौन पे कौन रहा, मोनोसैकेराइड कहाँ पे ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम्हारा जो डाइपेप्टाइड है, तुम्हारा प्रोटीन किसके सब अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड अमीन प्लस अमीनो एसिड मिलकर क्या बने हैं, तुम्हारा डाइपेप्टाइडाइजेस बने है, ये जो सॉरी इसके तुम्हारा क्या बने हैं ना, प्रोटीन बने हैं। तुम्हारा डाइपेप्टाइडाइजेस क्या करेगा ना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा, कहाँ पे ना अमीनो एसिड पे कन्वर्ट कर देगा। आ गया समझ में। ऐसे भी लाइपेजेस, लाइपेजेस का काम क्या है, वो फैटी एसिड को फैट में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब क्या है ना, तुम्हारा जो न्यूक्लियोसाइड है उसको कहाँ पे ना नाइट्रोजिनस बेस या न्यूक्लियोटाइड में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा आपको याद रखना, कॉमन सेंस जीनिस है, इसको आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हम इसके बाद जो लड़ा गया वहाँ पर मैं समझ दूँगा ठीक से, वहाँ पर यह डायरेक्टली मेंशन किया गया है ये क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे। चलो, द म्यूकस एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म द म्यूकस, म्यूकस कहाँ पे ना, तुम्हारा गोब्लेडर सेल से म्यूकस रिलीज होता है, ये तो सबको पता है। द म्यूकस एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म ऑफ द पैनक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम व्हिच इज बेस्ट फॉर दियर क्या ना एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ये क्या बोलता है, तो म्यूकस तुम्हारा जो म्यूकस प्रेजेंट है एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म फ्रॉम द पैनक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड। तुम्हारा जो म्यूकस एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट आयन, तुम्हारा म्यूकस कहाँ से ना, तुम्हारा गोब्लेडर सेल से सिक्रेशन होता है क्या, म्यूकस एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फॉर्म, बाइकार्बोनेट फॉर्म कहाँ से ना, तुम्हारा पैनक्रियास से रिलीज होता है, प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकस, तुम्हारा म्यूकस का जो इनर लेयर है, तुम्हारा म्यूकस का जो इनर लेयर है ठीक है, फ्रॉम एसिड कहाँ पे ना, तुम्हारा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है कहाँ पे ना, स्टोमक से, वो आके क्या करता है ना, तुम्हारा इंटेस्टाइन वाल को ये हार्म कर सकते हैं। सो तुम्हारा जो म्यूकस है एंड दो क्या है, तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन ये क्या करता है ना, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिसका पीएच कितना होता है ना, 7.8, व्हिच इज ऑप्टिमम फॉर दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसको याद रख लाना है आपको, इंटेस्टाइन में ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कितना है ना, पीएच 7.8 प्रोवाइडेड बाय योर म्यूकोस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट व्हिच इज रिलीज फ्रॉम दी पैनक्रियाज। ठीक है, ये ऑल्सो क्या करता है, इसका दो फंक्शन है, ये भी क्या करते हैं ना, वो एसिड मीडियम से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आइया समझ में। चलो, इसके बाद फिर क्या बोलता है ना, तुम्हारा जो सबम्यूकोजल ग्लैंड है, तुम्हारा सबम्यूकोजल ग्लैंड जो है वो भी जो ब्रोनर्स ग्लैंड है ऑल्सो हेल्प इन दिस, ये तुम्हारा जो एंजाइम अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए या सभी कुछ भी सिक्रेशन होता है, तुम्हारा आंसर में मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसको याद रखना है कि तुम्हारा जो सबम्यूकोजल ग्लैंड है तो इसको क्या बोलते हैं ना, ब्रोनर्स ग्लैंड बोलते हैं, ऑल्सो हेल्प इन दिस। ठीक है, आ गया समझ में। मैं उस क्लास में बता दिया था कि तुम्हारा जो सबम्यूकोजल ग्लैंड को क्या बोलते हैं ना, ब्रोनर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे स्थल में चलते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ठीक है, आगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या बोलता है, प्रोटीन्स प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का मतलब होता है तुम्हारा ये जो प्रोटीन है थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज हो गया है, मतलब वो थोड़ा बहुत हाइड्रोलिसिस हो गया है। इन द काइन, काइन का मतलब इंजेस्टेड फूड विथ द गैस्ट्रिक जूस, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन द प्रोटियोलाइटिंग एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं पिछले क्लास में बोल छो ना, द एंजाइम आर हेल्प्स टू डिग्रेड एंड मॉडिफाई प्रोटीन। ये जो एंजाइम होते हैं क्या करता है ना, वो क्या करता है, डिग्रेड एंड मॉडिफाई प्रोटीन, प्रोटीन और उसको क्या करता है ना, डिग्रेड करते हैं और कुछ कुछ मॉडिफाई भी देते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है चलो समझेंगे, और एक बार मैं समझाता हूं इस पॉइंट को। प्रोटीन प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन द काइन, काइन का मतलब इंटेस्टेड फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, रीचिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में वो पहुंच गए हैं, आर एक्टेड अपॉन द एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तुम्हारा इंटेस्टाइन में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है उसके साथ वो क्या करना, एक्ट होंगे, एक्ट होने के क्या बनेंगे उसको, देखो एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस आर गिवन बिलो। देखो तुम्हारा जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो क्या है ना, द एंजाइम आर हेल्प्स टू डिग्रेड एंड मॉडिफाई प्रोटीन। ये क्या करता है, तुम्हारा प्रोटीन को या डिग्रेड करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखी है तुम्हारे सेटेड, इसको आपको याद रखना है बच्चों, कैसे लिखा गया है उसको आपको याद रखना है। प्रोटीन पेप्टॉन्स प्रोटियोजेस किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, क्या कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, डाइपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, तुम्हारा जो प्रोटीन प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स इन द काइन, ये कहाँ पे ना, काइन में मिल गए हैं, रीचिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं,
तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रोटीलेटिक एंजाइम प्रेजेंट है ना, वो कौन कौन है? तुम्हारा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोनसी पेप्टाइडेस, इसके अपन एक्ट होकर क्या बना रहा है? डाइपेप्टाइड्स बना रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस कन्वर्ट इंटू डाइपेप्टाइडेजेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये इतना क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा है प्रोटीलेटिक एंजाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, तुम्हारा ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन से आया, कीमोट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिनोजन से आया, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पहले से ही वो देखो तुम्हारा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज था, वो कहाँ पे कौन बोल रहे हैं? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ते ना, प्रो लग गया था इसके पहले, लेकिन वो प्रो नहीं है, क्या है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बोलते हैं तुम्हारे जो कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम, तुम्हारा काइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है आर ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड बाय दी पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम, तुम्हारा काइम में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कौन है? तुम्हारा जो मैं बोला था कुछ कुछ एमाइलेज भी प्रेजेंट होते हैं, वो एमाइलेज इनटू एन डाइसैकेराइड। देखो तुम्हारा पॉलीसैकेराइड क्या है? तुम्हारा स्टार्च है। एमाइलेज के कन्वर्ट होकर क्या बन गया ना? तुम्हारा डाइसैकेराइड हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। तुम्हारा पॉलीसैकेराइड क्या है? ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, वो एग्जांपल क्या दिया है ना, तुम्हारा स्टार्च। ये तुम्हारा किसके प्रेजेंस में ना, एमाइलेज के प्रेजेंस में कहाँ पे कन्वर्ट हो, एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। कहाँ पे ना? तुम्हारा इंटेस्टाइन में। ठीक है, आ गया समझ में कार्बोहाइड्रेट कैसे कन्वर्ट होता है। चलो इसके बाद आता है तुम्हारा क्या ना, फैट। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या है? तुम्हारा फैट को ब्रोकन डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल। किसके साथ ना? बाइल इंटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। ये डाई मोनोग्लिसराइड क्या होता है अभी समझो, तुम्हारा जो फैट से है लाइपेजेस के आस में क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होगा? डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड आगे जाकर कहाँ पे कन्वर्ट होगा? मोनोग्लिसराइड। मोनो मतलब सिंगल, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसराइड्स मतलब है तुम्हारा ग्लिसरॉल जो है, हम उसको कहाँ पे ना, बायो मोलिकुल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना क्या ना, तुम्हारा जो फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इंटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस ए कन्वर्टेड इंटू डाइग्लिसराइड। क्या क्यों? तुम्हारा जो बाइल सॉल्वेंट है इसके लिए, फैट्स, लाइपेजेस, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, आ गया समझ में? फैट्स कन्वर्ट इनटू डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एब्सॉर्ब कन्वर्ट क्या पे ना, मोनोग्लिसराइड विद डाउन बाय द किसके एंजाइम के साथ? लाइपेजेस के साथ, विद द हेल्प ऑफ किसका ना, बाइल के हेल्प से। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियजस। न्यूक्लियजस इन द पैनक्रियाटिक जूस, तुम्हारा पैनक्रियाट में जो न्यूक्लियजस प्रेजेंट है एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, ये हम बायोमोलिकुल में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, वो ये वाला जो हिस्सा में पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा मैकेनिज्म, ये भी बायोमोलिकुल में तुम्हारा डिटेल दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लियजस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड, तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या कौन आता है? न्यूक्लियजस एक्ट करता है। इसके बाद कहाँ पे कन्वर्ट होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद कौन बढ़ता है कहाँ पे ना? तुम्हारा न्यूक्लियोसाइट्स। ठीक है, न्यूक्लियजस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइट्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियजस इन द प्रेजेंस, न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियजस कन्वर्टेड इंटू न्यूक्लियोटाइड्स, देन न्यूक्लियोटाइड्स इज कन्वर्टेड इंटू योर न्यूक्लियोसाइट्स। ये कैसे होता है, तुम्हारा न्यूक्लियोसाइट्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कैसे होता है, हम बायोमोलिकुल में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियजस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइट्स। ठीक है, चलो ये है तुम्हारा मेन स्लाइड। क्या बोलता है देखो, द एंजाइम्स इन द सोकोसेंट्रिको। सोकोसेंट्रिको मतलब तुम्हारा जो इंटेस्टिनल जूस है। द एंजाइम्स इन द सोकोसेंट्रिकोस एक्ट ऑन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म, जो फॉर्म तुम्हारा जो भी फॉर्म है वो क्या ना, सिंपली ऑब्जर्वेबल हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं ना, सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स। सो द एंजाइम इन द सोकोसेंट्रिको और द इंटेस्टिनल जूस act on the end products of the above reaction to form the respective simple amino
ऑब्जर्वेबल पढ़ो, ठीक है। तुम्हारा जो इंटेस्टिनल जूस है अभी क्या है ना, तुम्हारा जो वहाँ पे क्या निकला था, ये तुम्हारा है ना, देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड्स हो गया, तुम्हारा जो मोनोग्लिसराइड्स हो गया, तुम्हारा डाइग्लिसराइड्स और तुम्हारा डाइपेप्टाइड्स, वो क्या करते हैं ना, वो भी मदद करेंगे, ठीक है। मैं पहले से बोल दिया था क्योंकि वहाँ पे जो जो निकलेंगे वो भी आगे जाके क्या है ना और भी कन्वर्सन करेंगे। कैसे कन्वर्सन करेंगे, यहाँ पे देखो, दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन ऑकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल, सॉरी म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये क्या बोलता है, दिस फाइनल स्टेप, ये जो फाइनल स्टेप है, डाइजेशन ऑकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो म्यूकोजल एपिथेलियल से उसको क्या करता है ना, है उसको और छोटा कर देता है। ये क्या बोलता है, तो एंजाइम इन द सर्कोसेंट्रिकस और द इंटेस्टिनल जूस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एबव रिएक्शन टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स, ठीक है। दिस फाइनल स्टेप इन द डाइजेशन ऑकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो देखो मैं वहाँ पे क्या बोला था ना, तुम्हारा डाइपेप्टाइड्स कैसे बनता है ना, प्रोटीन पेप्टोन्स प्रोटोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। कहाँ पे कन्वर्ट करता है ना तुम्हारा डाइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स जाकर कहाँ पे कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेजेस। आ गया डाइपेप्टाइडेजेस का काम, ठीक है। वहाँ पे मैं बोल रहा था क्या, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गिव राइज टू माल्टोज। देखो यहाँ पे माल्टोज कैसे कन्वर्ट है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टाज कन्वर्ट कैसे होता है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो गया। लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से क्या बनता है ना, लैक्टोज। इसके बाद तुम्हारा क्या ना, सुक्रोज आ गया। सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गिव राइज टू सुक्रोज। ऐसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज गिव राइज टू लैक्टोज। आ गया समझ में, इसको आपको याद रख लेना है, इस दोनों को, ये वाला इक्वेशन ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज गिव राइज टू लैक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गिव राइज टू सुक्रोज। ये कैसे बनता है ना, लैक्टेज, इसके बाद ये है सुक्रेज। जैसे कि माल्टोज कहाँ पे ब्रेक होता है ना, माल्टाज, ठीक है। ऐसे इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेजस, सुगर प्लस बेसिस। ये कौन सा बेसिस है तुम्हारा, नाइट्रोजन। अगर आप ड्रॉपर का बैच हो तो ये समझ में आएगा, ड्रॉपर प्रेशर का हो तो ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे और एक बार, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेजस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेजस कहाँ पर कन्वर्ट होता है ना, सुगर। देखो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्टेड इंटू न्यूक्लियोसाइड्स बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइडेस। इसके बाद तुम्हारा जो न्यूक्लियोसाइड है वो कहाँ पे है ना, कन्वर्टेड इनटू सुगर प्लस बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तुम्हारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के साथ क्या होगा, डाई एंड मोनोग्लिसराइड हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, लाइपेजेस के प्रेजेंस में। डाई एंड मोनोग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस गिव्स राइज टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। आ गया समझ में सबको, चलो तुम्हारा एनसीईआरटी क्या बोलता है फिर ना, दी ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तुम्हारा जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जितने भी थे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन है तुम्हारा, आ गया क्या ना, प्रोटीन। इसके बाद क्या है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद तुम्हारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद तुम्हारा क्या है ना, लिपिड। ये तीनों, ये चारों तुम्हारा मेन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये हम बायो मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, पहला है तुम्हारा जो प्रोटीन, इसके बाद है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद तुम्हारा कौन सा है ना, न्यूक्लिक एसिड, इसके बाद तुम क्या है ना, फैट। ये जो चारों है ये तुम्हारा मेन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो सो द ब्रेकडाउन ऑफ द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेंशन अबव ऑकर इन द डुओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो भी तुम्हारा पहले हम मेंशन किया गया है, अबव ऑकर्स इन द डुओडेनम, कहाँ पे ना, तुम्हारा डुओडेनम में रीजन में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम रीजन है, वहाँ से बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, द सिंपल सब्सटेंस दोज फॉर्म आर ऑब्जर्व इन द जेजुनम। तो सिंपल सब्सटेंस जहाँ भी जो भी फॉर्मेशन हो गया वो कहाँ पे ना, तुम्हारा जेजुनम पे, जेजुनम पे आके। ये जेजुनम क्या है ना, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन सेकंड वाला हिस्सा है, दोज आर ऑब्जर्व इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सिंपल सब्सटेंस हो गया वो कहाँ पे ना, तुम्हारा जेजुनम एंड इलियम पे आके क्या होता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है और ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि दी टू प्रेजेंस ऑफ द मैक्रोविलाई, ठीक है। दी अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व सब्सटेंस,
बाय जो अनडाइजेस्टेड एंड अनजाउजर सब्सटेंस हो गया आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द इलोम। इलोम कहाँ पे ओपन हुआ है के ना तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का कहाँ पे ना सीजम पार्ट में ओपन हो गया। ठीक है देखो तुम्हारा जो इलोम हिस्सा है ना वो कहाँ पे आके तुम्हारा सीजम पार्ट के ओपन हो गया है। तुम्हारा जो क्या है ना तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीजम एंडजेस्टेड एंड द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द इलोम। ठीक है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तुम्हारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी खास तरह का डाइजेशन नहीं होता, ये मैं हर बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी खास तरह का डाइजेशन नहीं होता है। वहाँ पे क्या करता है ना तुम्हारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या क्या है, तुम्हारे इंसर्टेड डोमेंशन क्या है, आपको इन दोनों को याद रख लेना है। ठीक है पहला है तुम्हारा क्या ना अब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। तुम्हारा जो सब कुछ वाटर मिनरल्स एंड सम सर्टेन ड्रग्स कुछ ड्रग्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है कहाँ पे ना तुम्हारा सोन पेस्ट। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे तुम्हारा कुछ भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव नहीं होता है। वहाँ पे क्या ना तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इसके बाद तुम्हारा मिनरल्स, कुछ कुछ ड्रग्स भी वो रिलीज हो जाते हैं क्या ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं से दूसरा पॉइंट क्या बोलता है ना सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन अधरिंग द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड। अधरिंग द वेस्ट सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, तुम्हारा जो म्यूकस सिक्रेशन होता है कहाँ पे आधार होते हैं ना तुम्हारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वेस्ट के साथ वो आधार हो जाता है। आधार का मतलब जोड़ना पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। इसको क्या करता है लुब्रिकेट कर देता है क्यों तुम्हारा वो इजी पैसेज किसके जरिए तुम्हारा रेक्टम का स्टोर होता है टेम्पोरली स्टोर होता है। इसके बाद कहाँ पे ना तुम्हारा अनस के देखे जो बाहर चले जाता है जिसको हम बोले क्या ना तुम्हारा टॉयलेट और टूल्स वगैरह है उसको। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द अदरिंग द वेस्ट, ये तुम्हारा जो म्यूकस सिक्रेशन होता है कहाँ गोबर सेल से वो क्या ना लुब्रिकेट कर देता है वो पार्टिकल्स को क्या ना लुब्रिकेट करता है जिसको फॉर इजी पैसेज के लिए उसको मदद करता है। कौन ना लार्ज इंटेस्टाइन हो गया समझ में, ये इसको थोड़ा याद रख लेना है। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो रहा है कहाँ पर ना तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या ना द अब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। इसके बाद तुम्हारा क्या है ना सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस विच हेल्प इन द अदरिंग वेस्ट, तुम्हारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको क्या लुब्रिकेटिंग कर देता है फॉर इजी पैसेज, इजी पैसेज वो क्या अनस के जरिए बाहर चलेगा इसके लिए वो मदद करते हैं क्या ना म्यूकस को के साथ अदरिंग अदरिंग का मतलब होता है चूड़ने। ठीक है यहाँ तक आ गया सबको समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका क्या है ना तुम्हारा जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया और अनजॉब सब्सटेंस कॉल द फिशेस एंटर्स इनटू द सीजम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सीजम में आके कहाँ से ना तुम्हारा इलोम के आके कहाँ पे सीजम में एंटर हो गया एंटर ऑफ टू द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रो इलियो को क्या। देखो तुम्हारा ये जो प्रोनाउंसिएशन है आपको याद रख लेना है ना इलियो कैसल भार, और इसको कौन कुछ कुछ भी बोलते हैं इलियो काइयाल भार काइकाल भार। ठीक है इलो काइकाल भार भी कौन कौन बोलते हैं। ठीक है तो हम कि आपको जो मर्जी उसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना है आपके हिसाब से, मैं इसको इलो काकियाल भार बोल रहा हूँ इलियो काकियाल भार। ठीक है इलो काइकाल भार और इलो काकियाल भार भी कौन कौन कुछ कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है आपको जो मर्जी उसको आप बोल रहे हैं, अगर हम सेंसेटिव बोलना चाहते हैं तो इलो काइकाल भार बोलेंगे। द अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड द फिशेस एंटर्स इनटू द सीजम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन किसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलियम थ्रो द इलो काइकाल भार व्हिच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फेशियल मैटर। देखो तुम्हारा सपोज ये हो गया क्या ना तुम्हारा इलियम आ गया ऐसे कॉल हो गया ओके ओके क्या ना ये इसमें ओपन हो गया सपोज द सीजर क्या है बच्चों तुम्हारा ये है तुम्हारा सपोज इलियम। ठीक है यहाँ पे तुम्हारा कौन स्टार्ट हो गया ना तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन लुको अभी तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया ऐसे आया है यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना भर्मीफोर अपेंडिक्स हो गया। ठीक है तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा क्या ना तुम्हारा जो क्या है इलो काकियाल भार यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ये कर अगर अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से आ रहा है तो उसको बैकफ्लो करके नहीं देंगे। ठीक है वो अभी उस तरफ नहीं जाएगा सो इसका काम है इलो काकियाल का भार का काम है द अनडाइजेस्टेड फूड अनहजर कॉल द फिशेस एंटर्स इनटू द सिस्टम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलो काकियाल भार व्हिच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फिशियल मैटर जो फिशियल मैटर है उसको बैकफ्लो और यहाँ पे यहाँ से आ गया ऐसे और यहाँ पे जाने के लिए वो नहीं देता है। ठीक है इसका क्या फंक्शन है इसका फंक्शन है इलो काकियाल भार का ये फंक्शन है। ठीक है आगे बढ़ेंगे
इट इज टेम्पररी स्टोर इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। डेफिकेशन में तुम्हारा जो इजेशन, इजेशन जो बोलते हैं हम उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इजेशन इज कॉल्ड डेफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा याद रखना है क्या है, तुम्हारा डेफिकेशन जो है ये एक्सक्रिएशन नहीं है। ठीक है, तुम्हारा डेफिकेशन है ये एक्सक्रिएशन नहीं है। हम आगे जाकर ये पढ़ेंगे कहाँ पे ना, तुम्हारा जो है एक्सक्रिएशन चैप्टर में हम इसको जाके और एक बार पढ़ेंगे। इट इज टेम्पल स्टोर इन द रेक्टम, तुम्हारे रेक्टम पे आके स्टोर होता है और आनस के जरिए पास करता है, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज डेफिकेशन। ठीक है, और एक बात याद रखना है आपको, जो तुम्हारा डेफिकेशन है इट इज नॉट एन एक्सक्रिएशन। ठीक है, इट इज ओनली द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। ठीक है, चलो इसके बाद है तुम्हारा न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तुम्हारा डाइजेशन को कैसे तुम्हारा न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल आते हैं, देखो द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तुम्हारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हम जिसको बोलेंगे एलिमेंट्री का ना, ये जो ट्रैक है, और तुम्हारा फूड ट्रैक जितना भी है, द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर, किसके अंडर में, ना न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये हम जाके ये वाला तुम्हारा कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है, हम कहाँ पे ना तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सोरा ये दिया गया है तुम्हारा न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसके बाद द साइट स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। देखो तुमको अगर कभी टेस्टी फूड या कुछ देखना है तुम्हारा साल क्या ना तुम्हारा मुंह से क्या है ना सलाइवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, क्यों ना तुम्हारा जो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है इसके वजह से। ठीक है, तो साइट ऑफ अ स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, तुम्हारा ओरल कैविटी जब फूड गया तो वहाँ क्या ना स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा, सलाइवा वहाँ पर सिक्रेशन हो जाएगा। कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, आ जाके भी अभी खा के ऑब्जर्व कर लेना क्या ना तुम्हारा जो खाना जब खा रहे हो वहाँ पर डायरेक्ट भी सलाइवा सिक्रेशन है, क्योंकि ड्यूटी प्रेजेंस ऑफ योर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, सो ये बोलता है दिस साइट स्मेल एंड ऑल द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। तो अगर तुम्हारा ओरल कैविटी कुछ फूड एंटर किया तो तुम्हारा सलाइवा भी सिक्रेशन होगा, और कुछ कुछ जगह पे अगर आप कुछ कुछ टेस्टी फूड देख लेंगे तो तुम्हारा जो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है इसके लिए तुम्हारा मुंह पे भी सलाइवा रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन, तुम्हारा गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल। तुम्हारा जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन जो हो रहा है ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल, न्यूरल सिग्नल के वजह से वो तुम्हारा सिक्रेशन होगा। क्या कौन ना तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस जो हम क्या बोलते हैं सोकोसेंट्रिकस। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूरल सिग्नल के वजह से ही सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, चलो द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दी मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल का जो डिफरेंट हिस्सा है उसका जो मस्कुलर एक्टिविटीज हो रहा है कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। तुम्हारा न्यूरल मैकेनिज्म, तुम्हारा न्यूरल न्यूरॉन का जो मैकेनिज्म हो रहा है इसके साथ भी वो मॉडरेट होते हैं बोथ लोकल एंड थ्रू दी CNS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे। लोकल का मतलब है तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, तुम्हारा सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये बात तो सब न्यूरल न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। सो ये बोलता है क्या ना तुम्हारा बोथ लोकल एंड थ्रू दी CNS। ठीक है, थ्रू दी लोकल एंड दी CNS, यहाँ तक आ गया सबको समझ में। इसके बाद क्या लास्ट पॉइंट बोलता है दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सूट। तो जो यहाँ पे तुम्हारे न्यूरल के बारे में चला गया, इसके बाद तुम्हारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सूट इज कैरीड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तुम्हारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में, तुम्हारा जो स्टोमक का लाइनिंग में जितना भी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उसके उस वो क्या करते हैं ना कुछ लोकल हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड तुम्हारा म्यूकोसा इंटेस्टिनल जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा जो म्यूकोसा लेयर है उसका जो तुम्हारा क्या है ना तुम्हारा जो म्यूकोसा लेयर है वहाँ से क्या इंटेस्टिनल जूस कुछ कुछ हार्मोन सिक्रेशन करता है। सो ये क्या बोलता है द हार्मोनल कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सूट इज कैरीड आउट बाय द लोकल हार्मोनल प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। आ गया समझ में सबको? ठीक है, सो द डाइजेस्टिव जूस इज कैरीड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। चलो आगे बढ़ेंगे हम, ये तुम्हारा है लास्ट जिसको हम क्या ना कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है हम थोड़ा इसको, ये देखो तुम्हारा बॉक्स आइटम नॉट फॉर इवैल्यूएशन, ये भी डायमेंशन क्या है तुम्हारा नीट में, बोर्ड के लिए नहीं है, नीट में वो तुम्हारा AIPMT में ये पूछा गया था ये वाला सवाल, तो मैं इसको दे दिया क्योंकि तुम्हारा अगर प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो तो ये भी चला जाएगा, ठीक है ना। सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, तुम्हारा एनिमल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है, एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। तुम्हारा जो हीट एनर्जी है ना, इट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑल एनर्जी, हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑल एनर्जी, ये तुम्हारा फिजिक्स का हिस्सा है, ठीक है। तुम्हारा हीट जो हीट ट्रांसफर वाला जो तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टी जो बैटर थर्मोडायनामिक हिस्सा है वहाँ पर आप चाहे जाके पढ़ेंगे। दिस इज अपन मेजर आज कैलोरी, तुम्हारा हीट को कहाँ पे ना तुम्हारा कैलोरी को मेजर करता है, और जूल, एक जूल तुम्हारा एसआई यूनिट है और कैलोरी तुम्हारा क्या ना सीजीएस यूनिट है। व्हिच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये सब ग्राम स्पेसिफिक हीट भी कुछ कुछ बोलता है, अगर इसको मोल देख लेंगे तो मोल स्पेसिफिक हीट भी बोलेंगे और मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सो क्या बोलता है ना, दिस इज द अपन मेजर आज कैलोरी और जूल, व्हिच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का पानी को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे ना तुम्हारा कैलोरीफिक वैल्यू। इसके बाद आगे क्या है तुम्हारा, सिंस द वैल्यू इन द टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी KCL और किलो जूल KJ। 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर 1 kg ऑफ वाटर बाई, देखो 1 किलो कैलोरी का मतलब क्या है, 1 kg ऑफ वाटर ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय और रेस्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 kg पानी को हम 1 डिग्री सेल्सियस के साथ रेज करेंगे, ठीक, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस के पानी को 1 ग्राम पानी को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करेंगे, ठीक है, वो भी हो गया, चलो वो भी ऐसे 1 kg वाटर को आप कैसे ना 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, न्यूट्रो की इसके बाद क्या आता है ना, न्यूट्रियोनिस्ट ट्रेडिशनल रेफर टू ए KCL और द कैलोरी और किलो कैलोरी, KCL जो तुम्हारा किलो कैलोरी है, कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन ए बम कैलोरी मीटर, ठीक है, बम कैलोरी मीटर का एक क्लोज मेटल चैम्बर फिल्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, तुम्हारा उसको हम क्या बोलेंगे ना, बम कैलोरी मीटर, ए क्लोज मेटल चैम्बर फिल्ड विथ O2, इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज फिजियोलॉजिकली वैल्यू ऑफ फूड, सो द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर 4.1 कैलोरी, 5.65 कैलोरी एंड 9.45 कैलोरी रेस्पेक्टिवली, व्हेयरएज द फिजियोलॉजिक वैल्यू इज 4.0 कैलोरी पर ग्राम। इसके बाद है तुम्हारा क्या ना 4.0 कैलोरी पर ग्राम एंड 9.0 कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। इसको आप थोड़ा याद रखना है, तुम्हारा जो ई वाला हिस्सा है ना, तुम्हारा जो क्या ना तुम्हारा जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ए वाला, ठीक है, ये जो मैं बॉक्स बना दिया हूँ जो लास्ट हिस्सा, इसको आपको लिख रहना है कॉपी में, क्या ना ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट से, मैं लिखता हूँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ठीक है, 3 हिस्सों में इसको बांट दे रहे हैं हम। पहला है तुम्हारा क्या ना तुम्हारा ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ GCV, और तुम्हारा क्या ना फिजियोलॉजिक वैल्यू PV, ठीक है। देखो तुम्हारा जो किसका है 4.1 कैलोरी किस, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, और एक बार मैं बोल देता हूँ स्टेबल को, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना तुम्हारा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल वैल्यू, इसके बाद है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये तुम्हारा प्रोटीन, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है कार्बोहाइड्रेट कितना 4.1, इसको आपको याद रखना है किलो कैलोरी पर ग्राम 4.1, इसके बाद तुम्हारा 5.65, इसके बाद तुम्हारा क्या है 9.45, इसके बाद है तुम्हारा कितना किसका फिजियोलॉजिक वैल्यू जिसका 4.0, इसके बाद 4.0, इसका कितना 9.0, ऐसे टेबल बना के आपको लिख लेना है, और उसका सबका यूनिट क्या है किलो कैलोरी पर ग्राम।
ठीक है। चलो इसको आपको कॉपी में लिख लेना है। सो आशा करता हूँ और होप करता हूँ, आई एम होप दैट यार सो आपका सब सब कुछ समझ में आ जाएगा आज में जितना पढ़ा है। अगर कुछ डाउट है तो 7:30 PM में हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।